मौलवी साहब आप, मेरा उस्ताद मौलवी अब्दुल कभी आया था, 4-5 दिन पहले आया था, आप उससे पता करें कि खुदा के बंदों 46 सफ़र 47 सफ़र में बुखारी का सबक याद करके हिफिज में सुनाता था अब्दुल को। आप सोच सकते हैं 46 सफ़ों किताब मेरे पास है, 46 सफ़ों 50 सफ़ों के एक आदमी, लेकिन अब मैं नाकार हो गया हूँ। समझ रही है कि नहीं? ज़माने के साथ जैसे आदमी की जैसे उम्र ज़्यादा चली जाती, आदमी बूढ़ा होता, आंखें भी बूढ़ी हो जाती, दिमाग भी बूढ़ा हो जाता, जबान भी बूढ़ी होती है। इस जबान की भी, ये जबान भी इतनी तेज़ी से नहीं चलती। समझ रही है कि नहीं? तो इसलिए साथी खैर, लेकिन फरागत के बाद जब आप दर्स तदरीस करेंगे ना, तो मुकवियाती दिमाग आप इस्तेमाल कर लें। अगर थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अपने लिबास पर इतना नहीं जितने अपने खाने पीने पर और अपने दिमाग पर इसका ख्याल रखें। हमारे उलमा को ये जो फालिज की बीमारी लगती है, ये क्या है? ये होते हैं कि अपने अल्लाह का भला करें, क्या है अपने इससे अपनी ताकत से ज़्यादा बोझ उठाना, ये खैबर पख्तू के तकड़े तकड़े उलमा जल्दी जा कर के फना हो जाते हैं, बलोचिस्तान के तकड़े तकड़े उलमा जा कर के फना हो जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह कि वो ख्याल नहीं करते।